buy one get one free. बीस चश्मा ये देखो मैं क्या लाया हूँ। ये क्या नहीं नूडल्स कोई उकनोर वो नहीं उकनोर वाले नहीं बीफ फ्लेवर बीफ फ्लेवर में लिए हैं ये ट्राई करते हैं पैंट ओली हमारी ये नहीं ले रहे ये ओह माय गॉड ये बड़े खतरनाक है देखो बहुत ही बाकी सब ले लिए सब चीज़ें यहाँ से हो गई अब आगे चलो ब्लॉगिंग बीच में से स्टार्ट कर रही हूँ मैं चलो भाई कहाँ है कॉफ़ी वो मुझे नेस कैफे लेनी है बाबा दिवाली पीते हैं ना नेस कैफे कॉफ़ी लेनी है हमें कुछ नया पीते हैं नहीं मुझे नेस कैफे सही लग रहा है नहीं नहीं ट्राई कर रहे हैं हम लोग वो छोटा मुझे लेना है वरना जाया चले जाते हैं बस यहाँ से सब कुछ हो गया यहाँ से सब ले लिया बिस्किट भी हो गए हमारे असलामुअलैकुम कैसे हैं आप सब मुझे खैरियत से होंगे अच्छा अभी से मैं ब्लॉगिंग शुरू है काफ़ी ग्रॉसरी हम ले चुके हैं दरमियान से शुरू करिए अरे जो है ये कॉफ़ी मिल गई पिछली बार मैंने लिया था ना व्यूवर्स तो मेरी कॉफ़ी एक्सपायर हो गई थी इस दफ़ा मैं लूँगी छोटे वाला पैक छोटी बोतल लूँगी क्योंकि पिछली बार आपको देखिए इतनी बड़ी बोतल एक्सपायर हो गई सही है ये ठीक है काफ़ी सारी कॉफ़ीज रखी हुई है यहाँ पे और ये मिली है हमें 500 की आप बनाते हो बनाऊंगी कौन मैं बनाऊंगी नहीं बनाता हूँ कभी कभी बनाते हैं मैं बता दूंगी आपको घर चल के बताऊंगी अभी इससे आप फिक्र मत करो ठीक है सोएब बातें नहीं करो अभी ग्रॉसरी कर लिया तो पूरा शाशा डाल के पानी अभी ग्रॉसरी करो अच्छा ये यहाँ से वो मिल जाएगा कैटो का वो वहाँ से मिलेगा अच्छा चलो इधर आ जाओ यही इधर आओ वहाँ कहाँ जा रहे हो हाँ जो केचप लेना है केवड़ा केवड़ा ले लिया दिखाओ वो तो पिज़्ज़ा सॉस भाई बड़ी जो बोतल है वो भी एक्सपायर हो गई थी अब मैंने ये भी छोटी वाली ली है नहीं जो ज़रूरत नहीं है मैं पता नहीं पिज़्ज़ा घर पे बना ही दे थोड़ी सी खा के चेक कर लो नहीं खाओ खाओ मैं आपकी कंप्लेन करूँगी थोड़ी सी चेक करके नहीं कंप्लेन करूँगी आपकी मैं कौन से वाला ये तो बहुत बड़े बड़े हैं बड़े हैं ना बहुत बड़े यही तो है 475 सही है रेट शाम हो गई रात हो गई दिन में गए थे हम व्यूवर्स और रात होती है ग्रॉसरी हो गई हमारी शॉपिंग ग्रॉसरी की और इनके यहाँ से भी लाइट ऑन हो गई है और वेदर देखिएगा हल्के हल्के भी प्यारे प्यारे से बादल भी हो रहे हैं अभी हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं गाड़ी हमारी आती है फिर निकलते हैं शॉपिंग कंप्लीट हो गई ग्रॉसरी इज कम्प्लीट ये देखिए व्यूवर्स ये हमारी लेज़ी कैटो जहाँ पे सो रही है चेयर्स पे और हम लोग घर आ चुके थे ग्रॉसरी करके और मैंने रख भी दिए हैं मैं काफ़ी थक गई थी आते ही मैंने फिर खाना बनाया था जल्दी जल्दी मैं दिखाती हूँ मैं आपको क्या बनाया मैंने यहाँ पे बनाए थे अंडे और आलू का सालन ये देखिएगा अंडे और आलू का मैंने सालन बनाया था तो सारी ग्रॉसरी यानी कि मैं रख चुकी हूँ और काफ़ी थक गई थी मैं आखिरी लेट गई थी और ये सारा सामान मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है दालें वगैरह या मसाले वगैरह यहाँ पे सारे सेट कर दिए हैं दराज में कुकिंग ऑयल्स वगैरह और एक ही दराज में ये सारा सामान मैंने रख दिया ये देखिए मसाले वगैरह यहाँ पर रख दिए हैं सब कुछ बस मैंने ब्लॉग बनाना था लेकिन थकन इतनी हो गई थी फिर रात जल्दी जल्दी सबको खाना देना था बनाया खाना फिर फटाफट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ये हमारी लेज़ी कैटो बैठी हुई है अब मैं ऑरेंज खाने को मेरा दिल चाह रहा था मैं ऑरेंज खा लूँ मैं अब हम खाते हैं ऑरेंज वैसे कॉफ़ी पीने को दिल चाह रहा है वैसे मेरा दिल तो कॉफ़ी पीने को चाह रहा है और कपड़े भी धोए थे ये देखिएगा
अभी भी कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं, और मैंने तो खाना खा लिया, बाकी लोग आएंगे तो खाएंगे। और ये कैटो हमारी लेजी, कैटो क्या कर रही है मेरी प्यारी प्यारी कैटो, क्या कर ली, क्या कर ली हो? ये खाना आपने क्यों गिराया यहाँ पे? ये देखिए इसने यहाँ पे अपने खाना भी गिराया हुआ है। कैटो क्यों गिराया खाना, क्यों गिराया आपने बताओ, क्यों गिराया? गंदी कैटो आ आ करती हो, गंदी कैटो खाना आपने गिराया यहाँ पे, करती हो कहते, आवाज नहीं आ रही, तेज बोलो, जैसे आस्ता से ऊ कहती है, ऊ कहते ये देखिए कभी बस आस्था से कहती है, कैटो कैटो नाराज़ हो गई, काफ़ी देर से ये मुझे तंग कर रही थी, फिर यहाँ पे आके बैठ गई, परेशान करती है, ऊँ कहती है ऊँ, बिल्कुल आवाज़ आ रहा, आस्था से हम इसको आवाज़ दें, कैटो कहें ऊँ, बस यूँ आवाज़ निकालती बिल्कुल हल्की सी, कैटो कैटो नींद आ रही है मेरी सुस्त कैटो को, लेजी को। और ये खाना देखो किस तरह गिराया हुआ है, वो खा लेती है, गिराती है लेकिन खा लेती है। अब बस मैं ऑरेंज खाऊंगी, और ग्रॉसरी आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। और मैं कुकिंग ऑयल का बताऊंगी, अब कुकिंग ऑयल पे तकरीबन 300 रुपये का डिस्काउंट मिला है, यानी कुकिंग ऑयल पहले था तकरीबन मैं लाई थी 2900 और मेरे ख्याल में 58 या 60 रुपीज़ ऐसे था, तकरीबन 3000 के करीब तक 5 kg का जो पाउच होते हैं ना, मैं ईवा कनोला ऑयल यूज़ करती हूँ तो उसके पाउच जो थे, और अभी जब मैं लेकर आई हूँ तो कनोला ऑयल तकरीबन आया है मेरे ख्याल में 2700 तक आया है, यानी कि 2675 आया है, इस तरह आया, यानी कि 300 को तकरीबन 250-300 ज़रा कम मतलब आए हैं इसमें ना, कुकिंग ऑयल में कम हुए इम्तियाज पे। तो बाकी कुछ चीज़ों पे कमी थी, कुछ पे एक पैक फ्री भी मिल रहा था, काफ़ी ऑफ़र अच्छे अच्छे आए थे, मैंने थोड़ी सी वीडियो आप सबके लिए बनाई, तो मैंने कहा आप सबसे शेयर करूँगी मैं, तो बस ये फिर थकन, मैंने सोचा था आपको ब्लॉग पूरा शेयर करूँगी, सलाद वगैरह भी हमने लिया था सब कुछ, तो वो मैंने कहा दिखाऊँगी, लेकिन ये कि मैं इतनी थक गई थी, इतना टाइम लग गया, और ये ओवन भी मेरा माइक्रोवेव ओवन भी ख़राब हो गया, ये भी निकाल के बाहर रखा है, एकदम से इसके अंदर से धुआं निकलना शुरू हो गया था, धुआं निकल रहा, तो मेरे बच्चे बेटा कह रहा है मम्मी हीट तो नहीं हुई, पिज़्ज़ा गर्म कर रहा था लेकिन वो तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि धुआं निकलना शुरू हो गया, मैंने रख दिया, मैं बनने के लिए दूंगी, और बाकी ग्रॉसरी वगैरह करके थकन हो गई थी बहुत ज़्यादा, और बस ये ऑरेंज मैं खाऊंगी, ये कैटो भी आ गई, कैटो को पता चल जाता है कि मैं कुछ खाने लगी हूँ, कैटो चलो अपना खाना खाओ, जाओ जाओ अपना खाना खाओ, उतरो नीचे, जाओ जल्दी से, जाओ जाओ वो रहा खाना, ये देखो ये एक्सरसाइज करती है, उठते ही एक्सरसाइज शुरू कर देती है, जाओ कैटो खाना खाओ, कैटो इधर देखो। बस मैं ये शुरू के डेट्स में गई थी तो इतनी ज़्यादा रश नहीं था, था मतलब रश लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल था। तो बस अपन मैं वीडियो का यहीं पेंट करूँगी, रानी की दुनिया को सब्सक्राइब लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और मैं खाती हूँ ये ठंडे ठंडे से ऑरेंज, खाना तो मैं खा चुकी हूँ, और बस ऑरेंज को एंजॉय करती हूँ, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा, रानी की दुनिया को सब्सक्राइब लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ओके अल्लाह हाफिज़।